बहादुरगढ़ के सुभाष नगर में 10 वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। मनीष उर्फ गोलू की हत्या उसी के 15 वर्षीय दोस्त ने की थी और पहचान छुपाने के लिए उसके शव को आग भी उसी ने लगाई थी। आरोपी नाबालिग है, ऐसे में पुलिस उसकी पहचान छुपा रही है, लेकिन पुलिस की माने तो आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया है और हत्या की वजह भी बताई है। दरअसल गोलू और आरोपी दोनों दोस्त थे और रोजाना एक दूसरे के साथ खेलते थे, लेकिन बीते 18 अप्रैल को गोलू ने आरोपी की स्वर्गवासी माँ के बारे में अपशब्द कह गए थे, जिसके बाद आरोपी ने ईंट से हमला कर गोलू का मर्डर कर दिया। गोलू नाम का एक बच्चा जिसकी डेड बॉडी प्राप्त हुई थी और इसके संबंध में मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया था, तो उसमें जो बहादुरगढ़ लाइन पार थाने की पुलिस और DSP साहब के इनके प्रयासों से उस मामले का खुलासा हुआ है कि किस तरह से उसकी हत्या को अंजाम दिया गया, कारण क्या था और वो हत्या किस तरह से की गई है। तो जो हत्या करने वाले अपराधी का नाम है हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि वो जुवेनाइल है, और ये पता चला है कि उसी उसके मामा के परिवार में मृतक बच्चे के मामा के परिवार में के मकान में किराए के तौर पे एक परिवार रहता है, उसमें जो बच्चा है उस बच्चे की अपने किसी कारणों से व्यक्तिगत कारणों से कहा सुनी होने पर और उसकी स्वर्गीय माता के बारे में कुछ अपशब्द कहे जाने पर बच्चे को कहा बताया गया कि गुस्सा आने पर उसने छोटे बच्चा जो जिसकी मृत्यु हुई है उसको ईंट मार के उसको चोट पहुँचाई थी। उसके बाद जब वो चोट ज़्यादा लग गई तो इस डर से उसने दोबारा दूसरी ईंट का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर उस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। तफ्तीश के दौरान ये पता चला था जब हम लोग CCTV कैमरा सारे फुटेज एग्जामिन किया तो उस फुटेज में कुछ जगह देखा गया था कि एक बच्चा लगातार एक लड़का जो अभियुक्त है इस मामले में वो कई बार आया गया है। उसके इस बारे में जब पूछा गया कि आप यहाँ पे क्यों गए थे तो उसने बताया कि मैं तो यहाँ गया ही नहीं था, तो उसके बयानों में विरोधाभास होने के नाते इस मामले को उस पर शक के आधार पर जब पूछताछ के लिए लाया गया तो उसने पूरी ये घटना कबूली कि जो मृतक बच्चा है उसने शायद आरोपी बच्चे के माता स्वर्गीय माता के बारे में कुछ अपशब्द कहे जिसकी वजह से उनका आपस में झगड़ा हुआ और उसने इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि सुभाष नगर के रहने वाले 10 वर्षीय मनीष उर्फ गोलू की 18 अप्रैल की रात को हत्या कर दी गई थी। 19 अप्रैल की सुबह के समय अधजली अवस्था में उसका शव घर से महज 100 मीटर की दूरी पर एक खाली प्लॉट में मिला था। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने हर जगह हत्यारे की तलाश की लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला था। ऐसे में पुलिस ने आरोपी की पहचान बताने वाले को 1,00,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब पुलिस मुख्य आरोपी तक पहुंच सकी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी मृतक गोलू के मामा के घर किराए पर रहता है और रोजाना गोलू के साथ ही शाम के समय खेलता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर दिया है जहां उसे बोस्टल जेल में भेजा गया है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।